गुड मॉर्निंग गाइस, मैं रोहित। तो आज मेरा बर्थडे है, तो मैं आज आपसे कोई बात ना एक्सरसाइज बताऊंगा और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और इस लॉकडाउन में मेरा फर्स्ट बर्थडे पड़ा है, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं और मैं अपना बर्थडे आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता हूं। तो इस लॉकडाउन में बाहर तो तैयार हो नहीं सकते, तो घर में ही रेडी होते हैं। तो शुरू करते हैं। अपनी लाइफ की जर्नी और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि भाई कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों शुरू करा है, मैं 2 साल से मॉडलिंग कर रहा हूँ और साथ के साथ अपने फिटनेस सेंटर को भी रन कर रहा हूँ जिसका नाम फिट ब्लास्ट है। और कमाल की बात यह है कि मैं अपने चैनल का नाम भी फिट ब्लास्ट रखा है। तो भाई सबके ड्रीम अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी को मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, बॉडी बिल्डर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उसमें अलग अलग सबकी मेहनत होती है। भाई मेरा भी शुरू से एक ड्रीम रहा है चाइल्डहुड के, भाई मैं भी एक्टर बनूं, मेरी भी एक अलग से पहचान हो, लोग मुझे जाने और मेरे से आकर मिले। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप पर इम्प्रूवमेंट करना शुरू करा, जैसे कि सबसे पहले मैंने थिएटर ज्वाइन करा, अपनी एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव करा धीरे धीरे, फिर मैंने फिटनेस पे ध्यान दिया और फिर मैंने अपने आप को ग्रूम करना शुरू करा। और पहले मैंने पेजेंट लड़ा, वो मिस्टर डेली था, जिसमें मैं टॉप 5 में आया था, मुझे मिस्टर परफेक्ट बॉडी का अवार्ड मिला। तो मेरी मेहनत और मेरी फर्स्ट अचीवमेंट जो थी वो थी मिस्टर डेली में मिस्टर परफेक्ट बॉडी का, जब मेरे को अवार्ड मिला था। तो एक भाई डायरेक्शन मिलने लगी मुझे कि हाँ भाई मेरा इसमें फ्यूचर बन सकता है। फिर मैंने और डेडिकेशन से और मेहनत से और लगन से और मेहनत करना और इम्प्रूवमेंट करना शुरू करा। तो मेरे को एक शो मिला उस टाइम जयपुर में, मैं करके आया था, फैशन वीक था वो। और फिर मैं एक देहरादून में भी करके आया था, वो भी फैशन वीक था। तो फिर मैंने नॉर्थ इंडिया का फॉर्म भरा जिसमें 3 राउंड थे, मैंने तीनों राउंड को कंप्लीट करा स्टेप बाय स्टेप, बहुत डिफ़िकल्ट रहा था वो मेरे लिए। फिर फिनाले में क्या हुआ था कि ऑन स्टेज मैं उस पेजेंट को लीड कर रहा था और मेरे ऑन स्टेज पे मेरे शूज़ के लेसिस की नोट बन गई थी, भाई मैं ब्लैंक हो गया था। बट मैं अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करा, मैं रुका नहीं। वो कहते हैं ना, जो चीज़ किस्मत में नहीं होती वो कभी नहीं मिलती, तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं हार के भी बहुत कुछ जीता हूँ, जैसे कि मैंने मेरी अप्रोच अच्छी हो गई थी, मुझे फैशन पार्टियों से ऑफर आने लगे, लोग मुझे पेजेंट में जज बनने के लिए बुलाने लगे और धीरे धीरे मेरा काम शुरू होने लगा। जैसे मुझे प्रिंट शूट मिलने लगी, मैंने डायरी टाइम्स भी करा, फिर एशियन डिज़ाइन भी करा और मैंने एक रबर मूवी करी थी जो नॉमिनेट हुई थी और मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उसमें। और मैंने एक एल्बम सॉन्ग भी करा था लग जा गले, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप देखना जरूर उसको। और मैंने एक नेटफ्लिक्स की मूवी भी करी थी। तो मेरा भाई धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मेरा काम भी शुरू होता चला गया जैसे मेरी मेहनत थी। तो फिर मैंने मिस्टर इंडिया करा, मिस्टर इंडिया में मेरे को ऑल ओवर टाइटल का अवार्ड दिया, वो भी अरबाज खान ने। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मिस्टर दिल्ली से नॉर्थ इंडिया और मिस्टर इंडिया का क्या सफ़र रहा होगा। मेरे लिए बहुत, खुद के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा था, मैंने कैसे कैसे हार्डवर्क करा है और मैंने हार नहीं मानी, मैं पीछे नहीं हटा। जो भी देखो, याद रखना लाइफ में एक बात, देखो मुसीबतें सबके पास आती है और सामने आती हैं भाई, हम थोड़ी सी मुसीबत से और परेशान होने लग जाते हैं, मगर तुम्हें कभी भी याद रखना आपको अपनी मेहनत 100% देनी है और कभी भी गिव अप नहीं करना। तो मैंने भी भाई गिव अप नहीं करा, अभी भी मैं रन कर रहा हूँ
जो ये मैंने फिटनेस चैनल जो बनाया है अपना ये फिट ब्लास्ट का, तो ये लोगों से मैं जुड़ा रहूं और मैं और भी फिटनेस से उनकी हेल्प कर सकूं, और ये आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो, आपकी ब्लेसिंग ही है जो मुझे आगे पहुंचाएगी और मेरी मेहनत तभी दिखेगी। तो मुझे आज मेरा जो बर्थडे है, ये फर्स्ट मेरा लॉकडाउन में आपके साथ भी मेरा फर्स्ट बर्थडे बन रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपनी दिल की बातें शेयर कर कर और अपना एक्सपीरियंस और जर्नी शेयर कर कर। तो मैं थैंक यू सो मच, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ आपने मेरा बर्थडे को कितना अच्छा बनाया है। तो और भी अच्छी बातों के लिए मिलते हैं और भी अच्छी वीडियो के साथ, मुझे प्यार देते रहे और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करते रहे ताकि मैं लाइफ में और भी मूव करूं और तरक्की पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी अच्छी बातों के लिए, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच गाइज़।